क्रिकेट फैंस जिसका इंतजार कर रहे थे काफी देर से, वो घड़ी अब आने वाली है क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है आपसे थोड़ी देर के बाद। बर्मिंघम के एजबस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज है। रिमेंबर 2014 को याद करें जिसमें भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था लेकिन सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी लेकिन एक नई सीरीज है, शुरुआत भी नए तरीके से होगी। पॉजिटिव माइंडसेट में टीम इंडिया नजर आ रही है और बहुत सारे बदलाव भी टीम इंडिया में नजर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंग्लैंड में सूरमा बनने वाली है टीम इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि एजबस्टन से आ रही है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि पहले टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी इंग्लैंड की टीम और टीम इंडिया की होगी पहले गेंदबाजी। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता है, एजबस्टन में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है अब से बस थोड़ी ही देर के बाद। तो साथ ही साथ हम आपको प्लेइंग 11 भी बताएंगे। इंग्लैंड ने कल ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी और उसमें सिर्फ एक स्पिनर को चांस दिया गया, वो है आदिल रशीद। मोइन अली टीम में शामिल नहीं है, यानी कि प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। इंग्लैंड ने कल ही अपनी प्लेइंग 11 बता दी थी। इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल खबर यही आ रही है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मनी सर, एजबस्टन में कहा जा रहा था, यानी कि बर्मिंघम में कहा जा रहा था, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन भी है, इसको देखते हुए इंग्लैंड के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो होने वाला था। अगर इंग्लैंड टॉस जीती थी हमें पता था कि वो पहले बैटिंग करने वाले हैं। इंडिया टॉस जीती तो क्या करती इसका हमें इसकी खबर नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड में हमेशा ऐसा ही होता है, जैसी भी कंडीशंस हो इंग्लैंड अगर टॉस जीती है पहले बैटिंग ही करना चाहती है, अनलेस एंड अंटिल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया नॉटिंघम में एक टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को पहले फील्डिंग करते हुए इंग्लैंड ने 60 रन पर ऑल आउट कर दिया था और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घास रखी गई थी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पिचेस ऐसी हैं और इस समय तो इतनी गर्मी पड़ चुकी है कि आप घास रखने की कोशिश भी करेंगे तो लाइव ग्रास नहीं रहने वाली, पिच डिटीरियोरेट होगी जैसे जैसे 5 दिन का मैच होगा और ऐसे में ये फैसला बिल्कुल सही लग रहा है इंग्लैंड जी। और मनीष सर, खास बात इंग्लैंड के लिए शायद एक स्पेशल ओकेजन भी है क्योंकि 1000वां टेस्ट मैच जो है वो इंग्लिश टीम खेल रही है, लेकिन इंग्लैंड ने मनीष सर कल ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी। इंडिया कभी ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाता है, तो इसके पीछे क्या रणनीति होती है? दूसरी टीम जो कि होस्ट कंट्री है उसने अपने बता दी हमारे ये 11 खिलाड़ी हैं, इंडिया ऐसा कभी करता नहीं है। देखिए, ये हर एक के सोचने का तरीका है। इंडिया की टीम सोचती है कि हम सरप्राइज रखेंगे सामने वाली टीम के लिए, वो सोचते रहे कि कौन से 11 खिलाएंगे कौन से नहीं खिलाएंगे। जो टीमें ऑस्ट्रेलिया को भी अगर आप देखें वो 2 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि ये हमारी 11 रहने वाली है। वो कई बार ऐसा होता है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं और हमें पता है कि किन कंडीशंस में हम खेल रहे हैं जिसकी वजह से हमने अपने 11 अनाउंस कर दिए। उससे भी सामने वाली टीम के ऊपर कई बार असर होता है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने अपनी 11 एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया। जी, और मनीष सर जो खबरें आ रही है वो ये कि इंडिया ने 3 पेसर्स को चांस दिया है और जो एक ही इकलौते स्पिनर्स को टीम में शामिल किया गया है वो है रविचंद्रन अश्विन। तो यानी कि पिच में जो ग्रास होने की बात हो रही थी शायद वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल गया था वहाँ पर टीम इंडिया को कि हमें पेस अटैक को ज़्यादा मजबूत करना है, इसलिए 3 पेस 1 स्पिन अटैक। मुझे तो अभी भी लगता है कि आपके पास 4 पेसर्स होंगे तो वेस्ट होने वाले हैं, उसमें से एक तो वेस्ट होने वाला है क्योंकि हार्दिक पांड्या भी आपके एक पेस बॉलर हैं। अगर तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मैं 2 स्पिनर्स के साथ ही जाता क्योंकि मुझे इतना पता है कि कुलदीप यादव जिस तरह के बॉलर हैं और रिस्ट स्पिनर्स का हमने देखा है पिच जैसी भी हो बॉल को टर्न कराने में कामयाब होते हैं। और कुलदीप यादव के साथ एक बड़ी खास चीज़ है, जब पिच में थोड़ी सी जान होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, जब पिच स्लो होती है अगर टर्निंग ट्रैक्स देंगे कुलदीप यादव को मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन अच्छी पिचेस के ऊपर मैंने उनको इफेक्टिव होते हुए देखा है क्योंकि एक उनके टेक्निकल फ्लॉ के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके सामने का हाथ जल्दी गिर जाता है और अगर पिच में थोड़ी सी जान हो तो उनको मदद पिच से मिल जाती है। मैं तो 2 स्पिनर्स के साथ जाता, लेकिन टीम मैनेजमेंट वहाँ है, उनको जो सही लग रहा है उन्होंने इस हिसाब से टीम को उतारा है, लेट्स होप कि पॉजिटिव साबित। मनी सर, क्योंकि खास बात यह भी थी कि आपने स्ट्रेटजी जो चल रही थी वो यही चल रही थी जहन में कि शायद 2 स्पिनर्स होंगे और उसके अलावा 3 पेसर्स होंगे, लेकिन 4 पेसर अगर हार्दिक पांड्या को इंक्लूड करें एज एन ऑलराउंडर क्योंकि वो टीम में खेल रहे हैं, लेकिन एक जो सरप्राइज एलिमेंट होने की बात आ रही थी कि कुलदीप यादव आते तो शायद एक सरप्राइज पैकेज लेके आते टेस्ट सीरीज में भी, शायद वो अब नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है इंडिया मिस करने वाली है उस फैक्टर को क्योंकि वो एक्स फैक्टर है। इंग्लैंड में कई खिलाड़ी अभी नए आए हैं, अगर आप जेनिंग्स की बात करें मलान की बात करें उन्होंने देखा भी नहीं होगा, हालांकि उन्होंने अपना एक वूस्टरशायर का चाइनामैन बॉलर बुलाया हुआ था नेट्स में खेलने के लिए, लेकिन कुलदीप यादव एक अलग ही किस्म के बॉलर हैं और ऐसी पिचेस के ऊपर तो बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। सो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली पहले टेस्ट मैच में नहीं खिला रहे, अगले टेस्ट मैच से आप उनको खेलते हुए देखेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शुरुआत होने वाली है और इस टेस्ट सीरीज के साथ ही शुरुआत होगी विराट कोहली के मिशन की भी, जिनके 2014 का दौर अच्छा नहीं रहा था। हालांकि विराट कोहली ने कहा कि भाई मेरे को 10 साल हो गए अब क्रिकेट खेलते खेलते और देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, और मैं अब अखबार भी नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा मीडिया को टेंशन भी नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ गेम पर फोकस कर रहा हूँ। कितने फोकस है विराट कोहली, देखिए इस रिपोर्ट में। मनी सर 2014 में आए थे, तब टेस्ट टीम में अपनी जगह को बिल्ड कर रहे थे विराट कोहली, 10 इनिंग्स खेलने को मिली थी, बने थे सिर्फ 134 रन। फिर से 10 इनिंग सामने हैं, अगर हम देखें कि बारिश वारिश ना हो तो शायद 8 इनिंग तो खेलने को मिलेगी मिलेगी। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इस सीरीज में और इस स्टोर में विराट कोहली के बल्ले से कितने शतक निकलने वाले? देखिए मैं तो विश कर रहा हूँ कि 3 शतक निकले उनके बैट से, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, 10-12 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी, क्योंकि मज़ा तभी आएगा। विराट कोहली, उनको कोई पॉइंट प्रूव करना नहीं है, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो उसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले दौरे पर रन नहीं बनाए तो इस दौरे पर रन बनाने, वो ऐसा कोई दबाव नहीं ले रहे हैं, कितने काम लग रहे हैं पीसीज में, ये एक अच्छी चीज लग रही है। एंडरसन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अपने रन के बारे में ना सोच रहा हो, जिसने इतने शतक लगाए हैं और इंडिया का लीडिंग स्कोरर भी रहा है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने टीम को परफॉर्म, जो भी टीम के लिए परफॉर्म कर पाऊं मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा कि मेरे पिछले दौरे पर रन नहीं बने थे इसलिए मुझे इस दौरे पर रन बनाने। सो उन्होंने ये बात तो कभी कही नहीं है कि मुझे रन नहीं बनाने, ये तो उनका पेशा है, उनको रन्स बनाने ही बनाने, और हर कंडीशंस में उन्होंने रन्स बनाए। अगर आप 2014 का फेलियर देखें, उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को मोटिवेट किया, जो हार्डवर्क किया और जो सक्सेस प्राप्त किए, मुझे लगता है एक अलग विराट कोहली। आप मनी सर प्लेइंग 11 की भी बात करते हैं मनी सर इंडिया की, क्योंकि अब शिखर धवन भी हैं, लोकेश राहुल भी हैं और साथ ही साथ मुरली विजय भी, यानी कि तीनों ओपनर्स को इंक्लूड किया गया और बाहर गए हैं चेतेश्वर पुजारा। तो शायद जो लाइन आप पहले कह रहे थे कि ऐसा ही हो सकता है, वही कॉम्बिनेशन विराट कोहली ने भी अपनाया। देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि शिखर धवन की अगर आप बात करें वनडेज में, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 40-40-40 रन बनाए, 3 वनडेज में 120 रन बनाए, बहुत बढ़िया टाइम कर रहे थे बॉल को, लेकिन ये गलती वो बार बार करते आए अपने करियर में कि उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं करते और फिर वो कॉन्फिडेंस खोते हैं टीम मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो एक बार चले तो फिर आपको ऐसी स्टेज पे ला देते हैं, ऐसी स्थिति पर ला देते हैं कि आपके बॉलर्स के पास काफ़ी समय हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो रन्स बनाते हैं। सो शायद इसीलिए शिखर धवन के साथ उतरे हैं, क्योंकि बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। चेतेश्वर पुजारा का जहाँ तक सवाल है, 11 इनिंग्स हो गई हैं अब एसेक्स के अगेंस्ट, वार्म अप गेम में 2 इनिंग्स मिला लें, काउंटी क्रिकेट वो खेल रहे थे, 9 और 2, 11 इनिंग्स हो गई हैं, अर्धशतक नहीं लगाया, और प्रॉब्ली जब बैटिंग कर रहे होंगे नेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे होंगे कैप्टन और कोच मनीष। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसलिए भी लग गया है क्योंकि लोकेश राहुल को खिला रहे हैं आप नंबर 3 T20 क्रिकेट में, अब टेस्ट क्रिकेट में भी आप उनको खिलाएंगे नंबर 3, लेकिन वनडे क्रिकेट में लोकेश राहुल जाते हैं नंबर 4 की पोजीशन पे। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं लोकेश राहुल तो मनीष सर बहुत ज्यादा चिंताएं, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी चेतेश्वर पुजारा को, क्योंकि प्लेइंग 11 से तो बाहर कर ही दिया लोकेश राहुल ने उन्हें। देखिए लोकेश राहुल का तो परफॉर्म अगर करेंगे तो अपनी जगह बना ही लेंगे, उनके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट को, लेकिन परेशानी यह है कि शिखर धवन जो कि एसेक्स के अगेंस्ट दोनों इनिंग्स में उन्होंने 0 बनाया था, अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर एक मौका रहेगा चेतेश्वर पुजारा के पास, क्योंकि फिर आप ऐसे बैट्समैन को लाना चाहेंगे नंबर 3 पर, लोकेश राहुल रन करते हैं उनको ओपन कराएंगे, 3 नंबर पर ऐसे बैट्समैन को लाना चाहेंगे जो प्रूव कर चुका है अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो दरवाजे बंद नहीं हुए हैं अभी चेतेश्वर पुजारा के। राइट, और क्योंकि बहुत लंबी सीरीज है और आप देखेंगे कि ये अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर्स के बीच में, जैसे कि इंग्लैंड ने भी कहा है कि सारे गेंदबाज शायद 5 टेस्ट मैच ना खेलें, अगर 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज है तो गेंदबाजों को रोटेट किया जाएगा जिसमें सीनियर बॉलर एंडरसन और ब्रॉड भी शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इंग्लैंड ने कल ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी जिसमें एलिस्टर को केटन जेनिंग्स, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी सीरीज खेली और ये ओपनर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर आएंगे जो रूट, जो कि कप्तान है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो बैक टू बैक 2 सेंचुरी स्कोर की, कुलदीप यादव को अच्छा रीड किया था और इंग्लैंड को वनडे सीरीज में जीत दिलाई थी जो रूट ने। लेकिन यहां पर इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है एलिस्टर कुक जो रूट, इनके कंधों पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। डेविड मलान अच्छे बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इतने ज्यादा रन स्कोर नहीं किए, लेकिन यहां पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि एशेज में अपनी फॉर्म दिखा चुके थे। जॉनी बेस्टो बहुत बड़े यहां पे स्तंभ कह सकते हैं जिनको, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। वनडे और T20 की अगर बात करें तो वहां पर आ जाते हैं जॉश बटलर, लेकिन यहां पे जॉनी बेस्टो के ऊपर जिम्मेदारी होगी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी की भी। बेन स्टोक्स भी हैं, हालांकि जो घटना हुई थी पब वाली उसके बाद से सेम बेन स्टोक्स तो नजर नहीं आ रहे, उनके पास
मौका होगा अपनी फॉर्म को रिगेन करने का। आदिल रशीद, मनी सर, इस अगर प्लेइंग 11 की हम बात करें, आदिल रशीद पे इतनी चर्चा हो रही है इंग्लैंड में, जेफरी बॉयकॉट ने भी अब कमेंट कर दिया, उससे पहले माइकल वॉन ने कहा, ग्रैम गूच ने कहा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यॉर्कशायर के लिए वो रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप ऐसे खिलाड़ी को उठा के ले आए जिसने रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया था, आप टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं, आपका क्या टेक है, क्योंकि आप स्पिनर रह चुके हैं और इंग्लैंड में आपने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी भी की है। लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि प्रॉब्ली उनके ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा और उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, क्योंकि आदिल रशीद ने लास्ट ईयर ही कह दिया था कि मैं केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, T20 और वनडे क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड को इस समय जरूरत है और प्रॉब्ली उनको मोटिवेट किया गया होगा जिसकी वजह से उन्होंने हाँ की होगी। लेकिन ये बात सही है जो पुराने क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये बिगड़ैलू बच्चा है जो कि फोर डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है काउंटी क्रिकेट, तो फिर आप उसे टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में बड़ा स्पष्ट बोला जाता है, स्पष्ट बात की जाती है कि अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि आप केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो फिर उसे व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए ही रखें। लेकिन इस समय इंग्लैंड की जरूरत है ऐसे बॉलर की जो उन्हें विकेट दिला सके, और अगर एक ही स्पिनर खिलाना है तो वो इस समय इंग्लैंड में बेस्ट बॉलिंग। सर ये स्ट्रेटेजी सही है दोनों टीम्स की तरफ से, एक एक स्पिनर, और इंग्लैंड ने तो कल ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी आदिल रशीद को, उसमें मौका दिया। मोइन अली जो कि पिछले दौरे में बहुत सक्सेसफुल रहे थे और आपको याद होगा 18 विकेट भी उन्होंने चटकाए थे उस सीरीज में, उनको बाहर रखा, बेस्ट को लाए थे उनको बाहर रखा, लेकिन आदिल रशीद एज अ लोन स्पिनर। देखिए जहाँ तक मोइन अली का सवाल है, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर रखना पड़ा, उनको ऐसा बॉलर चाहिए था विकेट टेकिंग बॉलर जो कि विकेट्स लेके दे सके। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ इंडियन टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि इंडियन टीम भी एक ही स्पिनर के साथ जा रही है। क्या इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह का अपना बैलेंस बनाया है, जिस तरह से उन्होंने अपने टीम में केवल एक ही स्पिनर रखा है, क्या इंडियन टीम ने ये सोच के तो नहीं एक ही स्पिनर रखा कि पिच में वाकई कुछ होगा और पता चले कि पिच में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सो प्रॉब्ली जो इंग्लैंड ने अपने बॉलर्स चुने हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चुने हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसमें अगर आप देखें दोनों टीमों की जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी फॉर्मिडेबल नजर आ रही है, और यहाँ पर प्रूव करना होगा एलिस्टर कुक को भी, जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस मैच में इंडिया के अगेंस्ट इनफैक्ट जो रन मारे थे 180 वहाँ पे अपनी फॉर्म दिखाई, जो रूट अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में टक्कर होगी दो कप्तानों की भी। मनी सर शायद ये भी एक एक्साइटमेंट का फैक्टर होगा, जो रूट वर्सेस विराट कोहली, हालांकि पहला वार करने का मौका जो रूट को मिलने वाला है। ये तो किसी भी सीरीज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्थी कंपटीशन है जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं जो रूट और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन, हम ये भी देखना चाहते हैं विराट कोहली और जेम्स एंडरसन का कॉम्पिटिशन, क्योंकि पिछली सीरीज में विराट कोहली को कितनी बार उन्होंने आउट किया था, लेकिन इस बार 4 साल और उनकी उम्र हो चुकी है, क्या वही पैनापन है जेम्स एंडरसन में, और इंजरी के बाद भी वापस आ रहे हैं। सो ये कॉम्पिटिशन इस तरह के रहें तो मुझे लगता है सीरीज में वो रस बना रहा है। जी हाँ बिल्कुल, विराट कोहली उनका ग्राफ तो ऊपर चढ़ा है, जेम्स एंडरसन क्योंकि 35-36 ईयर्स के वो हो गए हैं तो वहाँ से शायद आगे चढ़ना उनके लिए मुश्किल होगा, और जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने कमबैक में की थी अभी एक प्रैक्टिस मैच में कुछ खास असरदार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते हैं इंग्लैंड में। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।